पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना पढ़ाई थे, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते हैं। हमसे गलती किया दो बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ, तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया दो बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे, बताइए ना। मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए। अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना, अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5,462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है इतना। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहाँ पर कर देंगे। तो आप ज़रा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5,462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहाँ पर तो जो बात किए उसके लिए 250 से 300 से ऊपर हो रहा है यहाँ। लेकिन इसके अलावे और
नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है वहाँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2,250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग अब इतना सब कब काम कर रहे हैं, सारा काम करेंगे। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में एम्स के निर्माण की स्वीकृति की काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया, तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। शुरू में तो कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हम लोग जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग तो आ करके देखे थे, पहले भी जान रहे थे, हम लोग दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए और बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई यहाँ, और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया, हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया, यहाँ पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई, बाल हृदय योजना के तहत कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था, हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आज जो हम लोग हैं IGIMS में इसका काम शुरू कर दिया गया। और एक दूसरा जो है बिहार में IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगहों पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर IGIMS में ये सब काम हो रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIS के परिसर में आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय JP नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो
तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया।